Assalamu alaikum and hello students. Welcome to Hana Classes. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूले, क्योंकि जितने भी अपलोडेड वीडियोस रहेंगे न्यू अपकमिंग, वो सब आप तक नोटिफिकेशन उसकी पहुंच जाए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, मुतवाजी खतूत और तकाते। इसके पहले हमने देखा है कि मुतवाजी खतूत किसे कहते हैं और उसका तकाते किसे कहते हैं। मुतवाजी खतूत मतलब ऐसे दो खतूत जिनके दरमियान का जो फासला है वो हमेशा हर पॉइंट के ऊपर, हर नुक्ते पर इक्वल होना चाहिए। मतलब इन दोनों के बीच का जो फासला है वो सेम होना चाहिए। इसका मतलब होता है मुतवाजी खतूत। और तकाते जो होता है वो दो लाइन को, कोई भी दो लाइन को, ज़रूरी नहीं कि वो मुतवाजी खतूत हों, कोई भी दो लाइन को जो कट करने वाला एक खत होता है उसको हम क्या करते हैं, कहते हैं, इसको हम तकाते कहेंगे, जो दो खतूत को दो मुख्तलिफ मुकात पर कटा करता है, तो उसे हम कहेंगे तकाते। ये तकाते हैं, ठीक है। अब इस तकाते के ज़रिए बहुत से एंगल्स बनते हैं, बहुत से खत एंगल्स जाविये बनते हैं, तो हम उस जाविये के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, हम एक बार फिर से उसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था नज़ीरी जाविये, नज़ीरी जाविये हमने देखे हैं। नज़ीरी जाविये मतलब ऐसे जाविये जो कैसे हो, वन टू वन हो, मतलब एक के ऊपर एक। ये ऊपर का फ्लोर अगर हम ले रहे हैं तो उसके नीचे का एग्जैक्टली फ्लोर, तो ये होगा नज़ीरी। जैसे अभी मान लो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया ए बी, इसको नाम दिया पी क्यू, इसको नाम दिया आर एस, और ये एम एन हो गए। तो नज़ीरी जाविये क्या होंगे, यहाँ पर एंगल ए एम क्यू, जाविया ए एम क्यू और जाविया एम एन एस, ये जाविया और ये जाविया। और इस तरफ अगर आते हैं तो जाविया ए एम पी और जाविया एम एन आर, ठीक है। ये ऊपर की लाइन के हो गए। अब ये लाइन के नीचे के भी देख सकते हैं हम, एंगल क्यू एम एन और एंगल, यस क्यू एम एन और एंगल एस एन बी। इसी तरह हम अगर इस तरफ आते हैं तो क्या होगा, एंगल पी एम एन और एंगल आर एन बी। तो ये हो गए नज़ीरी जाविये, ठीक है। नज़ीरी जाविये मतलब ये ऊपर का नीचे और नीचे ऊपर ऊपर नीचे नीचे, इस तरह के जाविये होते हैं नज़ीरी जाविये। तो उसके बाद हमने देखा था मुतबादिला जाविये, तो मुतबादिला जाविये देखते हैं हम, इसको इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल कहते हैं, जो जेड का फॉर्म बनाते हैं, जेड बनाते हैं। तो देखो हम इस तरह से देखते हैं तो ये जेड बन रहा है, तो जेड के जो कॉर्नर्स होते हैं उसको हम मुतबादिला जावी कहेंगे। तो एंगल पी एम एन, पी एम एन और एंगल एम एन एस, एंगल एम एन एस जो जेड की इस तरह से फॉर्म कर रहा है, और इस तरह से भी बन रहा है, इस तरह से इसको भी हम जेड बोलेंगे। तो क्यू एम एन, क्यू एम एन और जाविया एम एन आर, तो ये क्या हो गए, मुतबादिला जाविये। इसी तरह हमने देखा था नेक्स्ट जो था वो था दाखिली जाविये, है ना। तो दाखिली जाविये देखते हैं क्या होते हैं, दाखिली मतलब दाखिल होना, अंदर, तो अंदर वाले जाविये। तो दो लाइन के अंदर के जो जाविये हैं उनको हम दाखिली बोलेंगे, जो कि सिर्फ इस तरह के होते हैं, अंदर के होते हैं। दो लाइन है उसके बीच के जाविये, एक इस तरफ की जोड़ी हो सकती है, इस तरफ की जोड़ी हो सकती है, इस तरफ ऐसा, ठीक है। तो हम देखते हैं एंगल क्यू एम एन और एंगल एम एन एस। दूसरी जोड़ी हम बता सकते हैं एंगल पी एम एन और एंगल एम एन आर, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे दाखिली जाविये। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, मश्क नंबर, जो मश्की सेट है तुम्हारा वो 2.1 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आप लोगों को एक शक्ल दी हुई है और वो शक्ल को देखकर आप लोगों को बताना है नज़ीरी जावियों की जोड़ियाँ कौन सी है और दाखिली मुतबादिला जावियों की जोड़ी कौन सी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शक्ल बनाते हैं। आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक है ऑलरेडी, तो आप लोग टेक्स्ट बुक को फॉलो करो। टेक्स्ट बुक में देखो कि दो लाइन्स जो दिए हुए हैं वो इस तरह से हैं कुछ, और ये दो लाइन है और ये एक उसका तकाते है, ये पी क्यू आर और एस है, ये एक्स वाई जेड और डब्ल्यू है, ठीक है। अब हमको लिखना है एंगल पी और, सबसे पहले हमको लिखने हैं नज़ीरी जाविये। नज़ीरी जावियों की जोड़ी बनानी है,
तो नज़री जावियों की जोड़ी लिखते हैं हम जोड़ियाँ, एंगल पी और दिया है। चलो नज़री जावी मतलब मैंने क्या कहा, ऊपर का फ्लोर और नीचे का फ्लोर एग्जैक्टली। अगर हम लाइन के ऊपर ले रहे हैं तो एग्जैक्टली उसी के नीचे की जो लाइन है उसके ऊपर वाला ही एंगल लेना है। तो एंगल पी ये ऊपर है लाइन के, तो ये लाइन के ऊपर कौन है, एंगल डब्ल्यू। उसके बाद दिया है एंगल क्यू, एंगल क्यू के साथ में कौन होगा बोलो, एंगल क्यू ये ऊपर है यहाँ से, ये साइड में ही ऊपर वाला एंगल एक्स है, ठीक है। उसके बाद है एंगल आर, एंगल आर के साथ में एंगल आर नीचे की जानिब है तो हमको एंगल नीचे की ही जानिब देखना है, तो एंगल वाई। उसके बाद दिया है एंगल एस, तो उसके साथ में हमको लेना है एंगल जेड। तो ये हो गई नज़दीकी जावियों की जोड़ियाँ। उसके बाद है आप लोगों को बताया हुआ दाखिली मुतबादिला जावियों की जोड़ियाँ। अब तुमको मालूम है कि मुतबादिला किसे कहते हैं, मुतबादिला मतलब जो जेड फॉर्म करते हैं उसको मुतबादिला कहते हैं। तो हम यहाँ पर अगर गौर करेंगे तो ये इस तरह से जेड का फॉर्म कर रहा है ना, ये इस तरह से जेड फॉर्म कर रहा है, तो एस और एक्स, तो एंगल एक्स के साथ में एंगल एस आ जाएगा। उसके बाद यह है एंगल डब्ल्यू, तो एंगल डब्ल्यू के साथ में देखो ये एंगल डब्ल्यू यहाँ पर है, ये एंगल डब्ल्यू है, इसके साथ जेड ऐसा बन रहा है, तो ये जो Z का फॉर्म है इसमें एंगल W के साथ में कौन आ रहा है यहाँ पर, R, तो एंगल R लेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए सेकेंड वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे पास जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है, ये अपनी बुक में अच्छी तरह से लिख लेना है, इसको रिवाइज भी करना है बार बार क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंथ स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम में आता है ये, और टेंथ स्टैंडर्ड में ज्योमेट्री जो सब्जेक्ट है मैथ्स टू उसमें ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि दो लाइंस इस तरह से दिए हुए हैं, दो खुतूत दिए हैं और उनका एक तकाते इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन में दिया हुआ है और नाम दिए हैं यहाँ पर ए बी सी डी और यहाँ ई एफ जी। अब यहाँ पर हमको जो देखना है वो है सबसे पहले वो दाखिली मुतबादिला जाविये बताने हैं, दाखिली भी होना चाहिए और मुतबादिला भी होना चाहिए। मुतबादिला मैंने कहा जैसे कि जेड का फॉर्म करते हैं, तो अगर हमने इस तरह से जाविया देखा, देखो सी वाला जाविये के साथ में जेड इस तरह से बनेगा, देखो मेरे हाथों को अच्छी तरह से यहाँ पर किस तरह से मैं जेड फॉर्म कर रही हूँ, फिर से एक मरतबा देखो, यस, तो ये कुछ इस तरह से जेड बन जाए। तो ये कॉर्नर और ये कॉर्नर जो है ये आप लोगों को मालूम होने चाहिए कि ये कैसे जाविये हैं, मुतबादिला जाविये हैं, तो जाविया सी और जाविया ई। इसके अलावा अगर हम इस तरह से देखते हैं ऊपर से, तो ये भी एक जेड का जैसा ही फॉर्म करता है, तो एंगल बी और एंगल एच, तो ये भी मुतबादिला जाविये हैं। उसके बाद हमको लिखना है नज़ीरी जाविये, नज़ीरी जाविये तो चार बनेंगे यहाँ पर जोड़ियाँ, ए के साथ में आएगा ई, तो दूसरा लिखते हैं हम यहाँ पर नज़ीरी जाविये, एंगल ए के साथ में एंगल ई होगा, ठीक है, एंगल बी के साथ एंगल एफ होगा, एंगल सी और एंगल जी होगा, है ना, और एंगल डी और क्या होगा, एंगल एच होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमको दाखिली जावी लिखने हैं, क्या लिखने हैं हमको, दाखिली जावी, दाखिली मतलब जो अंदर है, दो खुतूत के दरमियान में जो एंगल है उनको हम दाखिली जावी कहेंगे। तो दाखिली जावी आएंगे एंगल बी और एंगल ई, बी और ई, ये जो तकाते हैं इसके ऊपर की जानेब के दो एंगल जो इस तरह के अंदर के होंगे इसको हम दाखिली बोलेंगे, एक इस तरह होगा और एक इस तरह होगा नीचे, तो अंदर के जो जाविये हैं वो हमको लेने हैं एंगल बी और एंगल ई, उसके अलावा होगा एंगल सी और एंगल एच। तो इस तरह से हमने दाखिली जावियों की जोड़ियाँ लिख चुके हैं। इसके बाद हमको देखना है वो है कुछ खसूसियात दी हुई है वो भी मुतवाजी हदूद से बनने वाले
और तकाजे से बनने वाले जावियों के लिए। देखो ये जो जाविये थे ये जो खतूत थे ये मुतवाजी नहीं थे, तो यहाँ पर हमने कोई प्रॉपर्टी नहीं बताई है, कोई खसूसियत नहीं बताई है, सिर्फ हमने यहाँ पर पहचाना है कि दाखिली जावी कैसे होते हैं, मुतबादिला कैसे होते हैं, नज़ीरी कैसे होते हैं, और दाखिली और वो भी मुतबादिला जावी कैसे होते हैं। लेकिन हमको अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है मुतवाजी खतूत के ज़रिए बनने वाले जो खतूत एंगल्स होते हैं, जाविये होते हैं, उनकी क्या क्या खसूसियात होती हैं। तो सबसे पहले हम खसूसियात में देखने वाले हैं नज़ीरी जावियों की खसूसियात। तो कभी भी याद रखना है आप लोगों को कि दो अगर जाविये और दो मुतवाजी खतूत के ज़रिए जो बनने वाले जाविये हैं अगर वो नज़ीरी हैं तो वो कैसे होते हैं। नज़ीरी जाविये हमेशा कैसे होते हैं, हमेशा मुतमासिल होते हैं। कैसे होते हैं, मुतमासिल होते हैं, मुतमासिल मतलब एक जैसे होते हैं। जैसे आप लोगों को एक शक्ल यहाँ पर मैं बनाकर दिखा रही हूँ, ये दो जाविये दो खतूत हैं मुतवाजी खतूत, सब जो इसको नाम देंगे पी क्यू और आर एस, ये मुतवाजी खतूत हैं, और एक ये तकाते हैं उनका और उसका नाम दिया है हमने ए बी, और उनके तकाते का जो नुकात है वो है सपोज एम और एम। अब हमको नज़ीरी जाविये लिखने हैं, तो हम नज़ीरी जाविये कैसे लिखेंगे। यहाँ पर नज़ीरी जाविये मतलब लाइन के ऊपर वाला और ये लाइन के ऊपर वाले, जब हम ऊपर का देख रहे हैं तो ऊपर ऊपर के देखने, ऊपर के देखने हैं, नीचे नीचे के और नीचे के, तो इस तरह से हम देख रहे हैं जाविया ए एम क्यू और जाविया, देखो जाविया ए एम क्यू और जाविया एम एन एस, एम एन एस, ठीक है, ये जाविया और ये जाविया। इसके अलावा हम देखेंगे जाविया ए एम पी और उसके साथ में जाविया एम एन आर, तीसरा हम देख रहे हैं जाविया क्यू एम एन क्यू एम एन और एस एन बी, जाविया एस एन बी, ठीक है, और लास्ट एक जोड़ी बची है जाविया पी एम एन और जाविया एम एन आर। नज़ीरी जाविये जब मुतवाजी खतूत के अंदर होते हैं, मुतवाजी खतूत के अंदर के, वो हमेशा मुतमासिल होते हैं। कैसे होते हैं, हमेशा मुतमासिल एक जैसे होते हैं। अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 ही होगा, समझ में आ रहा है। अगर ये 110 डिग्री है तो ये भी 110 डिग्री ही होगा, समझ में आ रही है बात। तो इस तरह के जो जाविये हैं उनको हम क्या कहेंगे, नज़ीरी जाविये, और वो भी मुतमासिल होते हैं। उसी तरह जो मुतबादिला जाविये होते हैं, मुतबादिला यानी कि जो जेड फॉर्म करते हैं, जैसे कि इसके साथ में ये जेड फॉर्म कर रहा है, जाविया पी एम एन और जाविया एम एन एस, पी एम एन और एम एन एस, तो ये जो जेड है बन रहा है, तो इसके जो कॉर्नर्स हैं ये जेड, ये दोनों भी सेम होंगे, मुतमासिल ही होते हैं। तो मुतबादिला जाविया भी मुतमासिल होते हैं, नज़ीरी जाविया भी मुतमासिल होते हैं, और एक हम जोड़ी लेंगे जाविया क्यू एम एन, ये मुतमासिल होगा जाविया एम एन आर के, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखना है, मुतबादिला जाविये हमेशा मुतमासिल होते हैं, नज़ीरी जाविये भी मुतमासिल होते हैं। और लास्ट का जो एक खसूसियत बची है वो है दाखिली जाविये, कौन से बचे हुए हो, दाखिली जाविये देखते हैं। दाखिली जाविये मतलब दो खतूत के दरमियान के जाविये। तो यहाँ पर जाविये कौन से बनेंगे, जाविया क्यू एम एन, क्यू एम एन और इसके साथ में एम एन एस, जाविया एम एन एस। कभी भी याद रखो जो दाखिली जाविये होते हैं वो मुतमम होते हैं, मुतमम मतलब मुतमम होते हैं, मुतमम मतलब वो 180 दर्जे का जाविया बनाते हैं मिलकर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 180 दर्जे, समझ में आया। उसी तरह इधर साइड में भी एक होगा जाविया पी एम एन, जाविया एम एन आर, ये भी 180 दर्जे के, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ चुका है कि क्या क्या खसूसियत हमने देखेंगे दाखिली जाविये की, नज़ीरी जावियों की और मुतबादिला जावियों की जोड़ियाँ हम यहाँ पर, मुतबादिला जावियों की खसूसियत हमने यहाँ पर देखेंगे। हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि खसूसियत क्या है, और वेरी शॉर्ट में हम देखेंगे कि जो खसूसियत है वो क्या है।
तो सबसे पहले याद रखना है आप लोगों को कि जो नज़ीरी ज़ावी हैं, नज़ीरी ज़ावियों की जोड़ियाँ मुतमासिल होती हैं। दूसरा है मुतबादिला ज़ावियों की जोड़ियाँ मुतमासिल होती हैं। और तीसरा हम देखेंगे कि दाखली जाविये हमेशा मुतमम होते। ये तीन खसूसियात आप लोगों को याद रखनी है जो 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको खास तौर से याद रखो कि मुतवाजी खतूत की से बनने वाले जो जावी हैं, नज़ीरी हैं, मुतबादिला हैं, दाखली हैं, उनकी क्या खसूसियात है। तो नज़ीरी जावियों की जोड़ियाँ मुतमासिल होती, मुतबादिला जावियों की जोड़ियाँ मुतमासिल होती है, लेकिन दाखली कैसे होते हैं, हमेशा मुतमम होते हैं, यानी कि वो क्या बनाते हैं, 180 दर्जे का जाविया बनाते हैं मिलकर। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुका है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, उसको शेयर करें आपके दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।